गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो सबसे पहले हैप्पी होली टू एवरीवन। सो आई रियली होप दैट आप लोग जो है अपना होली अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, बढ़िया बढ़िया मिठाई खाए, खाना खाए, एंड मे दिस होली ब्रिंग ऑल द कलर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस विद गुड हेल्थ इन योर लाइफ। तो बढ़िया तरीके से होली सेलिब्रेट कीजिए। एंड मुझे आज ऐसे पर्सनली नींद से उठने में थोड़ा देरी हो गया, तो सबसे पहले तो मुझे कुछ खाना है, बहुत भूख लग गया है। फिर मुझे थोड़ा बहुत आज ऐसे सेविंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिमिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा ग्रूमिंग तो खुद को करना पड़ेगा। एंड देन आई विल टेक अ शावर एंड उसके बाद देखते क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द वीडियो। सो मेरा ब्रेकफास्ट अभी तैयार हो रहा है मेरा पीछे यहाँ पे। तो आई जस्ट थॉट लेट मी जस्ट शेयर वन स्मॉल थिंग विथ यू गाइस। बहुत टाइम क्या होता है कि हम लोग जो है जब भी गार्बेज किचन वेस्ट ऐसे फेंकते हैं, तो हम लोग जो है प्लास्टिक से ऐसे एक्स्ट्रा बहुत कुछ यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मेरा ऑलरेडी मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग से प्लास्टिक्स आता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि सपोज़ ये मेरा एक ओट्स का मतलब पैकेजिंग है, तो ये खाली है अंदर से, है ना, इसे खाली है। तो मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर जो है मेरा जितना भी वेजिटेबल वेस्ट और जो भी रहेगा वो सबको मैं इसी के अंदर डालूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा एक ये फ्लिपकार्ट का जो मेरा आया हुआ था उसके अंदर गार्बेज डाला हुआ है, ये जो है मेरा ब्रेड का मतलब पैकेट है उसके अंदर डाले हुए। तो मैं एक्स्ट्रा यू नो लाइक प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट नहीं करता हूँ, और ये दोनों को मैं इसके अंदर डालूँगा। ये आपका वाइट कलर का जो प्लास्टिक दिख रहा है, ये एक्चुअली गार्बेज बैग है, और ये बैग जो है 100% यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये 100% कॉम्पोस्टेबल एंड बायोडिग्रेडेबल है। मतलब ये जो है आपका ज़मीन मतलब मिट्टी में जो है मिल जाएगा, इससे कुछ एक्स्ट्रा प्लास्टिक वेस्ट नहीं क्रिएट होगा। ये थोड़ा महंगा आता है बट इट्स गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। हेलो गाइस, एज यू कैन सी कि मेरा नहाना हो गया है और बियर्ड ट्रिमिंग भी हो गया है। सो आई थिंक आई एम लुकिंग ऑल ग्रूम्ड एंड क्लीन, फ्रेश दिख रहा हूँ, पहले से बेटर दिख रहा हूँ। तो मुझे ये ऐसा लगता है, आप लोग कमेंट में बताइए कि आफ्टर ट्रिमिंग ग्रूमिंग एंड नहाने के बाद फ्रेश दिख रहा हूँ कि नहीं। सो अभी जो है मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है फॉर लिटिल बिट ऑफ ग्रोसरी शॉपिंग। मेरा जो है चीनी खत्म हो गया एंड कुछ कुछ ऐसे सामान खत्म हो चुका है, तो मैं जल्दी से वो सब सामान लेके आता हूँ। Till then you guys enjoy the video and see you guys soon and फिर बातें करेंगे। देखिए इस तरीके से रोड किनारे कचरा फेंकना नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे पता नहीं चलता है, दार्जिलिंग में यहाँ के जो लोग है रोड किनारे कचरा फेंक देते हैं, और सुबह जो है म्यूनसिपल्टी का लोग आके यहाँ से कचरा उठाते हैं। सपोज़ कभी म्यूनसिपल्टी का गाड़ी नहीं आया तो वो कचरा तो रोड में ही रह जाएगा ना। ये देखिए सब कचरा फेंका हुआ है, कहाँ से स्वच्छ भारत होगा। तो मैं जो है मेरे घर से थोड़ा दूर पड़ता है, बट मैं जो है अपना जो भी मेरा गार्बेज है इस गार्बेज को मैं एक पर्टिकुलर जगह में ही फेंकता हूँ। एक गार्बेज डिस्पोजल एक जगह है, अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगा, मैं वहीं पे अपना गार्बेज फेंकता हूँ। ये देखिए ये जगह म्यूनसिपल्टी से बना दिया गया है, यहीं पे फेंकना है।
तो मैं भी स्वाहा कर देता हूँ, बाय बाय। तो गार्बेज तो मैंने फेंक दिया है, अभी मैं जा रहा हूँ वही कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करना है, वहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग करके उसके बाद आई विल बी बैक होम एंड सी यू गाइस देन, बाय। ये स्लीपर्स मुझे बहुत पसंद है, मैं घर में यही पहनता हूँ। ये पता नहीं किस मटेरियल का बना हुआ है, मतलब थोड़ा कुछ वार्म मटेरियल का बना हुआ है यहाँ। एंड मुझे ये गिफ्ट में मिला था फ्रॉम समवन वेरी स्पेशल, सो अगर आप ये वॉच कर रहे हैं थैंक यू। सो अभी जाके देख लेते हैं जो मैंने खरीदा सामान। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो इसके अंदर क्या है आपका, एक चिप्स और ये रहा पनीर, पनीर बनाना है, और ये मैंने आधा किलो चीनी ले लिया, और क्या है ये फ्रूट एंड नट डेरी मिल्क का चॉकलेट। सो बाहर से आने के बाद हमेशा हाथ धो लेना चाहिए, तो मैं धो लेता हूँ। सो नाउ माई हैंड्स आर सेफ एंड क्लीन। आप लोग भी कहीं बाहर से आते तो हमेशा पहले हाथ धो लीजिए। अभी जो है मुझे ये खाना है, तो पहले मैं थोड़ा सा कुछ मीठा खा लेता हूँ होली स्पेशल, और उसके बाद थोड़ा सा नमकीन इंडियाज़ मैजिक मसाला। तो फिर मिलते हैं आपसे, थोड़ा सा भूख भी लगा है यार। हेलो फ्रेंड्स एंड हैप्पी होली वंस अगेन। होपफुली आप लोग होली बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सेफ तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सो आई हैव ऑलरेडी शोन यू गाइस कि अभी तक जो है दिन भर मैंने क्या क्या किया है, बट इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द फेस्टिवल ऑफ होली इन माई लाइफ। सो फ्रेंड्स आप लोग तो देख ही चुके होंगे कि आज का दिन मैंने कैसे स्पेंड किया। तो आज का दिन जो है मेरा घर में कृष्ण भगवान का पूजा होता है, एंड उसमें जो है बहुत मतलब शानदार तरीके से एक जो है हम लोग होली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, आस पड़ोस में जाके मिठाइयाँ खाते हैं, होली खेलते हैं गुलाल से। तो अभी जो है क्योंकि मैं जॉब का चलते दार्जिलिंग में रह रहा हूँ, तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप लोग में से कहीं लोग घर से अभी दूर हो, है ना, घर में अभी नहीं है, बट इट्स ओके, इट्स नॉट दैट बैड ऑल। तो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बात शेयर करूँ, तो आज का दिन जैसे आपने देखा काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली था, उतना कुछ खास हुआ नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि दूसरा दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक रहता है मेरा टाइम टेबल या डेली स्केड्यूल, कि आज का दिन आई थॉट टू गेट मोर एंड मोर रेस्ट। सो जैसे कि आप लोग को पता है कि आई वर्क एज एन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन द डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड WBSEDCL। तो बेसिकली हम लोग का एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, एंड क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज़ एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, मतलब हम लोग जो है हमेशा इमरजेंसी ब्रेकडाउन में जो है हम लोग उसके लिए अलर्ट रहते हैं। तो दूसरा जॉब्स में क्या होता है कि इस टाइम आपको छुट्टी मिलता है, हम लोग का डिपार्टमेंट में भी होली का छुट्टी है, बट टेक्निकल लोगों को जनरली वो छुट्टी यूटिलाइज करने नहीं मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कुछ इस तरीके का खास फेस्टिवल रहता है, चाहे वो आपका दुर्गा पूजा हो, शिवरात्रि हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, या फिर क्रिसमस हो, गुड फ्राइडे हो, कुछ भी हो, तो इस तरीके का फेस्टिवल का टाइम में क्या होता है कि हम लोग के ऊपर लोड उल्टा और ज़्यादा होता है। क्योंकि फेस्टिवल्स में लोग घर रहते हैं, घर को जो है बत्ती से सजाते हैं, तो हम लोग का क्या होता है कि उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर लोड ज़्यादा रहता है, और जितना भी हम लोग का टेक्निकल टीम रहता है, मतलब इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, लाइनमैन, सब लोग को जो है अलर्ट में बैठना पड़ता है कि हम लोग का एरिया के अंदर कहीं भी अगर ब्लैकआउट हुआ या कुछ लाइन का फॉल्ट हुआ, तो इमीडिएटली उसमें जाके जो है हम लोग को मेंटेनेंस का काम करके जो है लाइन को फिर से चार्ज करना है। तो इसीलिए क्या होता है कि स्पेशली जो लोग घर से दूर रहते हैं लाइक मी, और हम लोग का डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो हम लोग को जो है स्पेशली इस तरीके का फेस्टिवल्स में मतलब घर जाने का मौका नहीं मिलता है, एंड यू नो लाइक ड्यूटी में जो है आपको जो है बैकअप में रहना पड़ता है हमेशा, स्पेशली फेस्टिवल में।
दूसरे लोग अगर इस चीज़ को देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे यार ये तो बहुत मतलब, तब ऐसा काम करके फ़ायदा क्या हुआ जब जो है आप मतलब खास फेस्टिवल या ओकेजन में घर में नहीं रह पा रहे। बट आई सी इट इन अ मोर पॉजिटिव वे। तो मेरे लिए ये एक गर्व का बात है, एक प्राइड का बात है कि मैं एक ऐसा डिपार्टमेंट में हूँ जो दूसरे का खुशी का ख्याल रखता है। मतलब मैं इस तरीके के सोचता हूँ कि आज मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरा टीम ड्यूटी कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे डिपार्टमेंट का चलते दूसरे के घर में उजाला है, दूसरे के घर में खुशी है ना। तो कहीं ना कहीं उसके लिए दूसरे के हैप्पीनेस में जो है हम लोग का डिपार्टमेंट या मेरा भी थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूशन है। तो उससे जो है एक अंदर से एक जुनून मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है और एक खुशी मिलता है, यू नो लाइक इस तरीके का इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी करने का। सो आई गेस ओवरऑल इट्स कूल एंड इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल, बट आई एम हैप्पी विथ इट एंड एन्जॉइंग द लाइफ। होपफुली आप लोग जहाँ पे जो भी है अच्छे तरीके से होली सेलिब्रेट किए, सेफली होली सेलिब्रेट किए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। होपफुली आज को आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना जो भी है एक्सपीरियंस या सजेशंस शेयर कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा विथ बेल नोटिफिकेशन। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। मैं जो है हर दिन सुबह 8 बजे अपना एक नया व्लॉग अपलोड करता हूँ। तो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।